मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम लोग मैथ्स का आगे का लेक्चर करते हैं, ठीक है? सो लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है वो पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के एग्जांपल स्टडी किए थे, और उसके बेसिस पे हमने आगे का चैप्टर भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। टिल एक्सरसाइज 13.5 का एग्जाम्पल नंबर हमने 4 ट्राई किया था। उसमें मेरे को ये भी हुआ कि एग्जाम्पल नंबर 3 भी मिस हो गया था मुझसे, ठीक है? सो आज हम लोग आगे का लेक्चर करते हैं। चलो अपनी बुक्स बाहर निकाल के एग्जाम्पल निकाल लो, ठीक है? चलो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, एक क्यूबॉइडल टैंक है जो 10 मीटर हाई है और 8 मीटर वाइड है। क्यूबॉइडल टैंक है हमारे पास जो 10 मीटर हाई है, हाई 10 मीटर हाई, यानी h उसकी हो गई 10 मीटर, और दूसरा क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन में, सॉरी 10 मीटर लॉन्ग है, यानी लेंथ 10 मीटर हो गई, और ब्रेथ, और कितना ब्रेथ है उसकी 8 मीटर, मतलब वो 8 मीटर पौड़ा है, वाइड है, ओके? हाउ हाई मस्ट बी द टैंक टू होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड? हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 380 मीटर क्यूब, मतलब एक क्यूबिकल टैंक है जिसका वॉल्यूम 380 मीटर क्यूब है, उसके डायमेंशन दिए, लेंथ और ब्रेथ दिए है हमको। हमको ये फाइंड करना है कि वो क्यूबिकल टैंक की कितनी हाइट होगी जो 380 मीटर क्यूब का लिक्विड होल्ड अप कर सके। Got it? समझ में आ गया? चलो एग्जाम्पल हम लोग लिख डाला, डेटा हम लोग करते हैं। अब इसमें अब ये क्यूबॉइडल टैंक, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास है 380 इज इक्वल्स टू L 10, बी 8। हाइट हमको फाइंड करनी है, तो हाइट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये 10 और 8 नीचे चला जाएगा, तो 38 बाय 10 इंटू 8 इज इक्वल्स टू हाइट 00 कट, 4 2 के टेबल में कट होगा, 24 जा 2 19 जा, एच की वैल्यू कितनी आएगी 19 अपॉन 4, रेडी? 19.5 यानी हाइट कितनी होगी 4.75 मीटर, ओके 4.75 मीटर हाइट होगी। कितनी होगी 380, 19 बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी 19.5, ओके सो आंसर मिल गया, लिख डालो इसको। हो गया। चलो अब एग्जाम्पल फिफ्थ में हमको क्या दिया हुआ है कि एक क्यूबॉइडिकल वेसल है, रेडी? क्या है, क्यूबॉइडिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर है। हमको फाइंड करना है ब्रेथ ऑफ द टैंक, इफ लेंथ इज 2.5 मीटर एंड हाइट इज 10, ओके? सो लेंथ 2.5 मीटर है टैंक का, हाइट हमारा 10 मीटर है, ब्रेथ बी फाइंड करना है, और कैपेसिटी दिया हुआ है कितनी है 50,000 लीटर्स, ओके? एक क्यूबॉइडिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर्स है, रेडी? अब उसका लेंथ और हाइट उनको दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है ब्रेथ। सो चलो कैसे फाइंड करेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक वेसल यानी L इन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच,
अब ये देखो ये 50,000 लीटर्स है, इसको हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? हमारे पास एक कन्वर्ट, हमारे पास हम जानते हैं कि वन मीटर क्यूब में 1,000 लीटर्स होता है, तो 1 लीटर कितना होगा, 1/1,000 मीटर क्यूब, रेडी? यही यूज करेंगे हम लोग, 50,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तीन तीन हो जाएंगे, कितना होगा 50 मीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज हो गया 50 इज इक्वल टू एल, कितना है 2.5, इनटू बी हमको फाइंड करना है, इनटू 10, तो ये बी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 50, तो ये 2.5 और 10 नीचे चला जाएगा, तो 2.5 इंटू 10, 0 0 कट, कैसा होगा 5, ये 5 अपॉन 2.5 इंटू 10 अपॉन 25 इक्वल्स टू बी, 5 1 0 5 5 5 1 0 5 2, यानी बी कितनी होगी 2 मीटर, यानी जो टैंक है उसकी ब्रेथ कितनी होगी 2 मीटर होगी। ठीक है, चलो वीडियो लेक्चर को लिख डालो। हो गया, चलो नेक्स्ट लेक्चर एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक विलेज है। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 को रीड तो कर लो, मैं भी रीड कर लेता हूं तुम्हारे साथ। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6, a village having the population 4000 requires 150 liters of water per day per head. If it has a tank of 20 cross 15 cross 6 meter, how many days will the water of this tank last? Okay, a village ki population hai jisme 4000 people rehte hain village mein, jisme per person ko 150 liters water chahiye one day ke liye. Okay, so हमको ये फाइन करना है, उसके टैंक की कैपेसिटी भी दी हुई है 20 क्रॉस 15 क्रॉस 8 6, तो लेंथ और टैंक की साइज भी दी है 20 एल क्रॉस बी क्रॉस बी, यानी 20 होती है, ठीक है, 20 क्रॉस 15 क्रॉस 6, ये फर्स्ट उसकी लेंथ होती है, सेकेंड ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी है 50, और थर्ड क्या है हाइट, हाइट हो गई 6 मीटर, ब्रेथ कितनी है 15 मीटर, और हाइट कितनी है 6 मीटर। ठीक है, हम पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ द टैंक फाइन करेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्रॉस बी क्रॉस एच इज इक्वल्स टू 20 क्रॉस 15 क्रॉस 6, 15 6 19 19 20 1800 मीटर क्यूब। अब वाटर की जो पर हेड की जो कैपेसिटी है वो लीटर में है, तो हमको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई विथ 1000, 1800 इंटू 1000, तो कितना आएगा 1860 लीटर्स। ओके, अब पॉपुलेशन दी हुई है कि वन डे में 4000 पीपल, एक पॉपुलेशन नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन है 4000, और ईच पर्सन को कितना चाहिए 150 लीटर्स पर डे, Each person requires 150 L per day. So total water required, total water required कितना होगा 150 into 4000, यानी कितना होगा 14 5 60 15 4 60 1 2 3 4 1 2 3 4 L per day, यानी कि जो पूरा विलेज है ना उसमें 60 लैक्स, हाँ 6 लैक्स ऑफ वाटर पर लीटर चाहिए होगा। अब ये तो टोटल वाटर है, और टैंक की कैपेसिटी कितनी है, इतनी है, एटीन लैक्स, ठीक है, 18 लैक्स की वाटर की कैपेसिटी नहीं है, हाँ
ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मच वाटर बेस लाइन, मतलब इतनी कैपेसिटी वाला टैंक है तो इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो नंबर ऑफ डेज वाटर टैंक एम्प्टी लास्ट यानी तो इस बड़ा डिवाइड बाय छोटा, तो बड़ा कितना है 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय छोटा कितना है 60 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। देखो 1 2 3 5 0 2 0 2 0 गए 2 0 2 0 गए 1 0 1 गए 6 by 3 days यानी कि 3 days तक वाटर लास्ट करेगा। बट इट चलो हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 7 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, एक गोडाउन है जिसकी साइज दी है हमके, एक गोडाउन है जिसकी साइज है 40x25x10 यानी फर्स्ट 40 उसकी लेंथ हो गई, 25 उसकी ब्रेथ हो गई और हाइट कितनी दी हुई है उसकी 10। ओके अब दूसरा भी दिया हुआ है तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन फाइंड करेंगे। क्या है इक्वेशन एल इंटू बी इंटू एच, तो 40x25x10 मीटर क्यूब हो गया, इसको मल्टीप्लाई नहीं करने का वैसे लेने का। नेक्स्ट हमको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन ब्रेक्स ईच मेजरिंग 1.5x1.25x0.5। अब वुडन क्रेट्स है, वुडन क्रेट्स वुडन के डब्बे जिसकी लेंथ कितनी है 1.5, ब्रेथ कितनी है 1.25, ब्रेथ 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और हाइट है 0. कितनी है हाइट इसकी 0.5 मीटर। ठीक है हमको ये फाइंड करना है कि अब इस जो वॉल्यूम है, ये गोडाउन के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, इसकी लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर, हाइट 0.5 मीटर, हम लोग वुडन क्रेट्स कितने वुडन क्रेट्स नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स रख पाएंगे किसमें, इसके गोडाउन में। रेडी सो वॉल्यूम, अब हम क्या फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट क्या फॉर्मूला है वुडन क्रेट का, वुडन क्रेट कौन से शेप में है, क्यूबॉइड, L into B into H, that is 1.5 into 1.25 into 0.5 meter cube, okay? Now, number of wooden crates, number of wooden crates, मैंने आप इससे पहले आगे के एग्जाम्पल में भी सिखाया था, number of wooden crates कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ द गो डाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन छोटा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्रेट। ठीक है वॉल्यूम कितना है 40x25x10 अपॉन 15x10x125x100x5x10 ठीक है, डेसिमल कर दिया अब कटिंग। देखो पहले तो है ना जी 10 × 10 100 100 × 100 10,000 नीचे से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 × 25 × 10 × 10,000 upon 15 × 125 × 5। अब कटिंग देखो कैसा कटा होगा, 5 × 1 = 5 × 5 = 25 × 5 × 1 = 5 × 25 = रेडी 25 × 1 = 25 × 400 = 5 × 8 = 8 × 10 = 32
इंटू टेन अपॉन थ्री, 3200 अपॉन थ्री, तो कितना होगा? 3200 अपॉन थ्री करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो 32,000 अपॉन 3 तो 32,000 अपॉन थ्री करेंगे कैलकुलेशन करके आएगा 10,666.6। अब बॉक्स कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है, समझ गए? बॉक्स है ना वो पॉइंट में होगा नहीं, तो क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट ले लेंगे तो कितना आएगा? 10667 बॉक्सेस क्रेट, सॉरी, यानी इतने वुडन क्रेट्स चाहिए इतने गोडाउन रखने के, ठीक है, हो गया। चलो इसको लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब के बेसिस पे है, सो कैसे सॉल्व करेंगे क्यूब वाला? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एल क्यूब होता है, क्योंकि क्यूब क्या होता है? थ्री डायमेंशनल स्पेस में सेम होता है वॉल्यूम, लेंथ सब क्यूब में सारी लेंथ सब सेम होती है, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है? एग्जाम क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड्स ऑफ न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड द रेशियोज ऑफ द सर्फेस एरिया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर है ये शायद है 8, हाँ एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है? बड़ा क्यूब की साइज है 12 सेंटीमीटर, एल की साइज कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। अब पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, अब फॉर्मूला क्या है बिग क्यूब का? एल क्यूब यानी 12 क्यूब हो गया, 12 × 12 × 12 सेंटीमीटर क्यूब, रेडी। अब इसमें से कट करके 8 छोटे क्यूब बनाने हैं, कट करके कितने छोटे क्यूब बनाने? 8 छोटे क्यूब बनाने हैं, तो लेट वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब बी एल, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, लेंथ ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू एल क्यूब, ओके। नाउ नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, मैंने आप पहले भी सिखाया था कि नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं, बड़ा वॉल्यूम से डिवाइड बाय छोटा वॉल्यूम, तो बड़ा वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, बड़ा वॉल्यूम मतलब कौन सा बड़ा ऑब्जेक्ट है? तो बिग क्यूब वॉल्यूम का वॉल्यूम अपॉन डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम, तो छोटा वॉल्यूम किसका है? स्मॉल क्यूब, तो उसका वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ओके। यानी नंबर ऑफ क्यूब्स कितने पीसेस बन गए? 8 इज इक्वल्स टू ये कितना है? 12 क्यूब अपॉन एल क्यूब, रेडी, और एल हमको फाइंड करना है एल, तो एल क्यूब इज इक्वल्स टू 12 क्यूब अपॉन 8, 8 किसका क्यूब है? 12 का, सॉरी 2 का, 2 क्यूब, अब क्यूब यूड, तो एल कितना होगा? एल क्यूब इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 द होल क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसल, तो कितना आएगा एल की वैल्यू? 6 सेंटीमीटर, मतलब कि छोटे साइज की वैल्यू कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि छोटा क्यूब हम लोग 12 कटिंग करके जो छोटा क्यूब बनाएंगे ना उसकी लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियोज बिटवीन देयर सरफेस एरिया, अब हमको रेशियो फाइंड करना है, मतलब एरिया ऑफ बिग क्यूब सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, रेडी, तो स्मॉल क्यूब, अब एरिया ऑफ सरफेस क्या होता है? 6L² अपॉन 6L² 6 एल, यानी बिग क्यूब का एरिया कितना है? 12,
का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, यानी 12 बाय 6 का होल स्क्वायर हो गया, यानी 2 बाय 1 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बाय 1, देयरफॉर रेशियो कितना आया, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, सरफेस एरियाज इज 4:1. क्लियर? गुड, लिख डालो. हो गया. चलो एग्जाम्पल नंबर लास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग एकदम इजी एग्जाम्पल है. क्या है, एक रिवर फ्लो कर रही है, जिसकी एक रिवर फ्लो कर रही है, एग्जाम्पल नंबर 9, जिसकी हाइट कितना है. एक रिवर इज फ्लोइंग 3 meter डीप. अब रिवर है वो 3 meter डीप है, तो हाइट कितनी हो गई इसकी, 3 meter हाई डीप, यानी उसकी हाइट फ्लोइंग 40 meter वाइड, और उसकी 40 meter वाइड है, यानी उसकी ब्रेथ हो गई 40 meter, इज फ्लोइंग एट द रेट 2 kilometer पर आवर. अब रिवर है वो लेंथ के हिसाब से फ्लो होती है, तो लेंथ हमको मिल गई 2 kilometer है, 2 kilometer. ओहो, 2 kilometer को 2000 meter हो गया पर आवर हो गया. हमको फाइंड क्या करना है कि कितना वाटर, हाउ मच वाटर फॉल्स इनटू सी इन मिनट्स, मतलब एक पर 1 minute में वाटर कितना फॉल हो रहा है. ठीक है, अभी पहले हम लोग इसको वॉल्यूम फाइंड करेंगे पर आवर और डिवाइड बाय 60 कर देंगे. नाउ सो अमाउंट ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ वाटर, हाँ तो कैपेसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन सी, कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग इन टू सी, कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग इन टू सी, यानी एज्यूम हो सकता है कि ये क्यूबॉइड के शेप में है, तो एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितना है 2000, ब्रेथ 40 इंटू 3 हो गया, ये उसकी कैपेसिटी हुई पर आवर की. हमको फाइंड करना है पर मिनट, तो कैसे करेंगे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर एंट्रिंग इन सी पर मिनट कैसे फाइंड करेंगे, 22000 इंटू 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 आवर में 60 मिनट 00 का 3 1 3 2 2 1 2 2 यानी कि 4000 meter cube पर मिनट, यानी कि 1 minute में 4000 meter cube का वाटर सी में फ्लो हो रहा है. क्लियर, चलो लिख डालो इसको. हो गया. सो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब हम लोग थोड़ा आगे का एडवांस टॉपिक का, आगे का नेक्स्ट जो शेप है वो स्टडी करेंगे. ठीक है, आई होप कि आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा. ना अगर समझ में ना आया, जो भी टॉपिक समझ में ना आया, उधर से रिवाइंड करके फिर से वीडियो स्टार्ट करना. ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट.